यूपी के चुनावी नतीजे बीजेपी के लिए क्यों अहम है? क्या यूपी में 40 सीट जीतकर भी बाजीगर बन पाएगी बीजेपी? कहा जाता है कि दिल्ली की गद्दी का रास्ता यूपी से होकर गुजरता है। 2014 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी और उसके सहयोगियों ने प्रदेश की 80 में से 73 सीटों पर कब्जा जमा लिया था, लेकिन इस बार एसपी बीएसपी के हाथ मिलाने से बीजेपी की राहें आसान नहीं दिख रही हैं। हालांकि चुनाव के बाद आए एग्जिट पोल्स में बीजेपी को नुकसान होने की बात तो कही गई, लेकिन ये नुकसान उतना भी नहीं है जिसकी आशंका पहले से जताई जा रही थी। अगर तमाम एग्जिट पोल्स के नतीजों का औसत निकाला जाए तो बीजेपी को 40 से 50 के बीच सीटें मिल सकती हैं। हालांकि इतनी सीटें भी बीजेपी को मिल जाती हैं तो उसे बाजीगर बनने से कोई भी नहीं रोक सकता। माना जा रहा था कि एसपी बीएसपी के साथ आने से यूपी में बीजेपी का सूपड़ा साफ हो जाएगा, लेकिन एग्जिट पोल्स में ऐसा होता दिखाई नहीं दे रहा। जानकारों की माने तो कागजों पर बीजेपी भले ही कमजोर नजर आ रही हो, लेकिन जमीनी हकीकत इससे पूरी तरह से अलग है। प्रदेश में बीजेपी का एक मजबूत संगठन है और हर बूथ तक उसकी पहुंच है। केंद्र और प्रदेश में सरकार होने का भी फायदा बीजेपी को मिलेगा। इसके अलावा मोदी सरकार की उज्ज्वला योजना, पीएम आवास योजना, शौचालय और किसान सम्मान योजना का फायदा भी बीजेपी को मिलता नजर आ रहा है। चूँकि केंद्र और प्रदेश दोनों जगह बीजेपी की सरकार है, लिहाजा इस बात की आशंका जताई जा रही थी कि बीजेपी की दोहरी सत्ता विरोधी लहर का सामना करना पड़ सकता है, काफी हद तक जमीन पर देखने को भी मिला। मोदी सरकार के मंत्रियों और सांसदों को लेकर लोगों में जबरदस्त नाराजगी थी, बावजूद इसके वोटर मोदी के नाम पर फिदा नजर आए। लोग ये कहते भी नजर आए कि वो किसी भी मंत्री या सांसद को नहीं बल्कि मोदी को ही वोट दे रहे हैं। जाहिर है अगर बीजेपी को यूपी में कम से कम 40 सीटें भी मिल जाती हैं, तो ये उसके लिए बड़ा तोहफा होगा, क्योंकि पिछली बार की तुलना में इस बार होने वाली 21 सीटों की भरपाई वो पश्चिम बंगाल और उड़ीसा से करती दिखाई दे रही है। अगर बीजेपी को इससे कम सीटें मिलती तो शायद इसकी भरपाई होना मुश्किल था, लेकिन 40 सीटें मिलने से बीजेपी को सरकार बनाने में किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं होगी। यह भी साफ है कि बीजेपी अगर यूपी में 40 सीटें जीतने में कामयाब होती है तो उसे बाजीगर बनने से कोई नहीं रोक सकता। इंडिया न्यूज़ वायरल की रिपोर्ट।